आत्मा दे दिशो निर्दिशा। हिंदू भाइयों तुम्हारी किताब का थी जब भी मांगो तो सिर्फ एक अल्लाह से मांगा करो, एक ईश्वर से परवरदिगार से गौर से मांगो। जो तरह की ठोकरें खाते हो, जो फला फला की इबादत किया करते हो, कम से कम अपनी किताब को तो मानो। हमारे कुरान को अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल किया उसको मत मानो, हदीस को मत मानो, लेकिन अपनी किताब को तो मानो। तुम्हारी किताब कहती है एक रब से मांगो देवेश्वरी ऋषा वही देने वाला, बकिया जर्रा बराबर तुम्हें कुछ दे नहीं सकता है। हाँ अब बताइए, इतना कुछ होने के बावजूद अब भी नहीं मानेंगे तो। इसी वजह से मैंने कहा कि रब का पैगाम पूरी दुनिया वालों का नाम सबके लिए, मोदी जी तुम्हारे लिए, योगी जी आपके लिए, हिंदू भाइयों तुम्हारे लिए, और आए मुसलमानों आपके लिए। क्या फरमाया, वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, हमने जिनों को और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इबादत का क्या मतलब, मस्जिद में जाकर के अल्लाह अल्लाह करो, ये इबादत का क्या ही मतलब है कि मस्जिद में चले जाओ अल्लाह 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 अल्लाह, यही इबादत है। हम इबादत जानते नहीं किसको कहते हैं, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। आइए मैं आपको समझाता हूँ कि इबादत क्या है। इबादत गौर से सुनिएगा, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां लूटा, हमें तो बदनाम किसने किया, मुसलमानों ने किया है। हम गैर, अभी देखिए बात होनी चाहिए तो गैर मुस्लिमों को समझाना चाहिए, आज मुसलमान को समझाना पड़ता है। ओ नमाज, अब बताइए मुसलमान मुसलमान को क्या हदीस मालूम नहीं, जो नमाज नहीं पढ़ता वो मुसलमान है ही नहीं, है ही नहीं। जिसने नमाज छोड़ दी, जुम्मा की नमाज नहीं, फर्ज नमाज एक वक्त की, वो मुसलमान है ही नहीं। देखिए मौलाना लोग बैठे हुए, जितने हजरात हैं सब रिकॉर्ड हो रहा है और गूगल में जितनी भी दुनिया की किताबें हैं सब के अंदर सर्च और तहकीक करो। मैं ये नहीं कहता मेरी बात मान लो, अल्लाह ताला ने ये भेजा दिया दिमाग अकल, आप सोचिए किताब पर मुताला कीजिए, ना हमारी बात मानिए ना किसी और की बात। रब ने अकल दिया है, रब की बात मानिए। एक वक्त की नमाज छोड़ दिया मुसलमान नहीं है। मन पर कसलात मुकाम बिदर फकद कफर, मुस्लिम के अंदर तिर्मिजी तिरसाई इब्न माजा हदीस की किताबें उठाओ, लिखा है एक वक्त की नमाज छोड़ दी गया खत्म। पर हमारा काम क्या है, ईद का चांद नजर तो नमाज को देख के तलाक, हमें नमाज से मतलब नहीं, फिर रमजान में पड़ेगी जुम्मा जुम्मा में लेवल लगाने के लिए चले आते हैं, वरना लोग क्या कहेंगे अब जुम्मा कभी ये हाल है मेरे भाइयों। बुराइयां कदर ज्यादा, बुराई के मामले में तो मुसलमान इतना आगे, जवान तबका जवान लड़की इतने आगे कि एक लड़का इंटर में फेल हो गया, इंटर में फेल हो गया, बाप को तो बड़ी तकलीफ पहुंची, और बगल में एक लड़की थी वो पास हो गई फर्स्ट डिवीजन से। अब उसके घर के अंदर खुशी है, इसके घर के अंदर माता, बगल में खुशी बगल में माता। बाप अपने बेटे से बार बार कह रहे हैं तुम्हारे पीछे मैंने इतना पैसा लगाया ट्यूशन में, यहाँ वहां ये वो सब कुछ किया, फेल हो गया तू। उस लड़की को देखो, बगल वाली लड़की को देखो, फर्स्ट डिवीजन से पास हुई है, सब लोग मुबारकबाद दे रहे हैं और उसको मुबारकबाद दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं। देखो उस लड़की को, जमाना किस कदर बदल दिया, जवान हमारे कितने ज्यादा बिगड़ चुके हैं। बाप देखो उस लड़की को, उससे सीखो सबक हासिल करो, देखो उस लड़की को, बेटा कितना ज्यादा बिगड़ा रहता, देखिए माहौल किस कदर खराब हो चुका। नमाज की बात मत बोलिए मौली साहब, समाज कितना बिगड़ चुका है। बेटा कहता है पूजा क्या कहते हैं उसको, देखिए देखिए देखिए, अरे उसी लड़की को तो देख देख करके मैं फेल हुआ, वही मैं करता था,
छत में जाता था पढ़ने के लिए, थोड़ी जागता था लड़का क्या कर रहा है, कैसे कर रहे, कैसे बाल दिख रहे, कैसे उसके कपड़े दिख रहे, कैसे उसी चक्कर में लगा रहा था। अब देखिए फेल भी हुआ तब भी ये हाल है, किस कदर के समाज और महाशरा मुस्लिम सोसाइटी चलती चली जा रही है। मंगलाचारे में आएंगे उसी जगह में लोगों को बुलाएंगे और जो उनके जुमले हुआ करेंगे वो जुमले यही होंगे असमल्ला इल्लल्ला मित्रा वरो। दुनिया से बुराइयों को खत्म करेंगे, दुनिया से बुराइयों को पापियों को धोलेंगे। सोच से उजू जाते विवज्जिता मंगलाचार्य बहुलवा पिता विवज्जिता वो नेकियों के गुरु होंगे और बुराइयों को एक एक करके खत्म करेंगे। गुरु थे, नेकियों के दावत दिया करते थे, पापियों को खत्म करते थे, एक एक करके खत्म कर दिया। अरब के धरती के अंदर ये बुराई पाई जाती थी, लड़कियों को जिंदा जमीन के अंदर गाड़ दिया करता था। आप आते ही आपने फरमाया, नबी बनते ही आपने फरमाया, ओ दुनिया वालों इतना बड़ा पाप मत करो, क्योंकि लड़कियों को पालना, लड़कियों को पोसना, लड़कियों की परवरिश करना, लड़कियों की तरबियत देना इतना बड़ा नेकी का काम है कि हदीस गलबाज है। आपने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे बतलाया फरिश्ते के जरिए से कि जो लोग ये पाप कर रहे हैं उनसे कह दो ये गुनाह मत करो। इतना बड़ा पाप है कि अगर कोई आदमी अगर दो बच्चों की परवरिश करते, दो बेटी अल्लाह दो बेटी नवाजा है मुबारक, मैं उसको बचा रहा, मैं यानी अल्लाह के नबी कह रहे मैं उसको बचा रहा देता हूँ। दो लड़की जिसको है, दो लड़कियों की सही परवरिश उसने कर दिया, खिलाया पिलाया बड़ा किया, शादी कर दिया। फरमाया ऐसी लड़कियां कयामत के दिन अल्लाह ताला से ये रिक्वेस्ट करेंगे, गुजारिश करेंगे, अल्लाह मेरा ये बाप है इसको जहन्नम में जाने मत दो, मैं जाने नहीं दूंगी, इसने मुझे खिलाया पिलाया परवरिश किया। ये दो लड़कियों की परवरिश करना इतना बड़ा पुण्य का काम है, इतने बड़ी नेकी का काम है। हम औरतों का रक्षा हम करेंगे, औरतों की हिफाजत हम करेंगे, तुमसे हजार कई साल पहले हमारे नबी कह चुके हैं, तुम क्या दोगे। अभी औरतों के मैटर में वो बात कर रहे थे, औरतों के ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है, अपनी बीवी को खुद नहीं संभाल सकता तो दूसरे बीवी के चक्कर में लगा हुआ, बताइए और करें आप। इस्लाम ने तुमको बताया दो लड़कियों की परवरिश करो, जन्नत के दरवाजे ले लो, जन्नत के सर्टिफिकेट ले लो, मेरे साथियों दो लड़कियों की परवरिश करो। हदीस के अल्फाज है मानिब दुनिया बिहाजिल बना दे कुन लहू सितर मिन नार, जहन्नम से अगर बचना है तो दो लड़कियों की परवरिश कर लो, दो लड़कियों को पाल लो। ये कौन कहते हैं नबियों के सरदार इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई प्रधान ऐसे नहीं फेंकू आदमी कह दिया 5-15 लाख आएंगे, ऐसा नहीं है। उनके जुमले मेरा नबी अपने से कुछ नहीं बोलता है, जो रब बुलवाता वही बोलता है। मेरा नबी बाकायदा कहते लोगों दो लड़कियों की परवरिश करो, जन्नत के लिए मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ। गौर से सुनो मेरे भाइयों, आज कितने मुसलमान हैं जो ये नारा लगाते हैं, हम तो हमारे शादी होने के बाद कहते अभी बच्चा बच्ची नहीं लेकर दवाई खा करके बच्चे रहम मादर में बच्चों को मार देते, करते कि नहीं ये पाप हो रहा है कि नहीं।
डॉक्टर के जरिए से, दवा के जरिए से, और ना जाने कौन कौन औरतें ये काम करती, दवा दे देती है, अभी बच्चे नहीं होंगे। कितना बड़ा पाप है मालूम है? पता है कितना बड़ा पाप है? इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐसा करने वाला जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। जन्नत में जाने की दूर की बात है, सुनो। और जन्नत की खुशबू कितने दूर तक जाती है मालूम है? आज के दौर में समझ लो मोटरसाइकिल, पहले के जमाने में घोड़े का आपने मिसाल दिया, घोड़े का। एक आदमी घोड़े के अंदर बैठता हो, तेज रफ्तार घोड़ा हो, पहले के जमाने में घोड़ा चलता, घोड़े के अंदर बैठता और सफर करता हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, घोड़ा कंटिन्यू चलता रहे और 40 साल तक चलता रहे, उतनी दूरी तक जन्नत की खुशबू पहुंचती है। और जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा जो आदमी अपने बच्चे को रहमे मादर में मार देता है। इतना बड़ा पाप है। मेरे बंदो, तुम अपने बच्चों को खिलाने पिलाने पहनाने के डर से कत्ल मत करो। कुरान कहता है, हमारे जुमले नहीं, रब का कलाम है, रब की बात क्यों नहीं सुनते हो? रब का पैगाम बंदों के नाम, ओ मेरे बंदो भाई इंसान हो, क्यों तुम अपने बच्चों को मारते हो? रहमे मादर में बच्चों को क्यों कत्ल किया जाए? अल्ट्रासाउंड के जरिए से चेक किया बच्चा है कि बच्ची, पता चला कि बच्ची है तो रहमे मादर में मार देते हो। इतना बड़ा पाप है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐसा आदमी जहन्नम के अंदर जाएगा, जन्नत में नहीं। फरमाया कि अल्लाह ताला कहता डायरेक्ट अपने बंदों से कहता, मेरे बंदो अपने बच्चों को मारने की जरूरत नहीं है, हम खिलाएंगे हम पिलाएंगे, हम तुम्हें खिलाते हैं, हम तुम्हारे बच्चों को भी खिलाएंगे। यानी जो ये समझता है कि हमारे ये बच्चे होंगे, हम कैसे खिला पाएंगे, हम कैसे शादी कर पाएंगे, हमारे पास इतनी ताकत नहीं है। अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदो तुम खिलाने और पिलाने की वजह से इतना ज्यादा डरते हो, तुमने कभी वैल मछली का नाम सुना हो? एक दिन के अंदर 1000 किलो गोश्त वो मछली खाती है, 1000 किलो गोश्त। हम और आप कितना खाते हैं? 10 बोटी, 2 बोटी, वही आदमी आपको 2-2 किलो खा लेता हो सकता हो। हाँ, एक वैल मछली 1000 किलो एक दिन में खाती है, और समंदर के अंदर एक मछली नहीं, 1000 मछलियां हैं, करोड़ों में। अल्लाह फरमाता है, उन तमाम मछलियों को मैं रोजाना खाना देता हूँ। गौर से सुनिए ये बातें, उन तमाम मछलियों को मैं खाना देता हूँ। भाई इंसानों, तुम 2 रोटी खाते हो, 2 निवला खाते हो, 2 निवाला, 2 लुकमा, 2 रोटी खाते हो, 2 बोटी खाते हो, और उसके लिए तुम अपने बच्चों को कत्ल कर रहे हो। हम जब तमाम मछलियों को, तमाम जानवरों को जब खिला सकते हैं, इंसानों क्या हम तुझे नहीं खिला सकते? यानी तुम मेरे ऊपर तवक्कुल नहीं करते, भरोसा मेरे ऊपर नहीं है। फरमाया, लौ अन्नकुम तवक्कलतुम अलल्लाहि हक्का तवक्कुलिहि। हदीस के अल्फाज है, सही मुस्लिम के अल्फाज है, इमाम कायनात जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जैसा तवक्कुल जानवर करते मेरे ऊपर, चरित और परिंदे मेरे ऊपर जिस तरीके से भरोसा किया करते हैं, तवक्कुल किया करते हैं, वैसा भरोसा तुम मेरे ऊपर करो इंसानों। आई दुनिया वालों, आई दुनिया के अंदर जुल्म करने वालों और पेट के वास्ते हराम रिस्क कमाने वालों, पेट के वास्ते कत्ल करने वालों, पेट के वास्ते दूसरों को मारने वालों, किसी ने पैसा दे दिया किसी का कत्ल कर दिया, किसी का पैसा ले लिया, किसी के सिपाही ले लिया, किसी को मार डाला पैसे के लालच में, दूसरों को मारने वालों, अपने बच्चों को रहमे मादर में मारने वालों, डॉक्टर दवा के जरिए से मारने वालों, जिस तरीके से ये चरित्र और परिंदे अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करते हैं, अल्लाह के ऊपर भरोसा करते हैं, वैसा तवक्कुल तुम करने लगो, वैसा भरोसा तुम करने लगो, अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला तेरे घर के अंदर रहमत की बारिश नाज़िल करेगा। यानी तुमने चरित्रों को देखा होगा, तुमने
परिंदों को देखा होगा कि चरिंदे परिंदे सुबह सवेरे जाते हैं, परिंदे जाते हैं, चरिंदे जाते हैं, परिंदे सुबह सवेरे घर से निकलते हैं भूखे, लेकिन शाम में जब लौटते हैं तो उनका पेट भरा रहता है। कौन खिलाता है? जानवर। घर से गया कौन खिलाता है? कौन? मोदी जी खिला रहे हैं। कौन खिलाता है? अल्लाह। لو انكم توكلتم على الله حق توكل اب اتنا ہارڈ نہیں بولوں گا الیکشن کا سوال آ رہا بھائی کہہ کر گرفت کرو اس کو لیکن ہاں یہ ہندوستان ہے سب کو بولنے کی اجازت ہے کھل کے بولو یہ ہندوستان کا قانون ہمیں معلوم ہے کون کھلا گیا یہ 15 لاکھ کی بات کیا 5 سال ہو گئے 15 لاکھ کیا جوتا وہ چلا گیا آئے گا کیا گیا اب میں اس کی طرف نہیں جانا چاہ رہا ہوں میرا بھٹا چلا جا رہا ہے میرے بھائیوں لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزقکم فرمایا جس طریقے سے پرندے اللہ کے اوپر توکل کرتے ہیں تم کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے گھر کے اندر بھی روزی دے گا تمہیں بھی بھوکا نہیں مارے گا تمہیں بھی پیاسا نہیں مارے گا سب سے ایک اللہ کا پیغام مانو رب کا پیغام بندوں کے نام دنیا کے اندر کتاب پڑھتے ہو دنیا کے اندر دوسری کتابیں انگلش پیپر روزانہ پڑھتے ہو نیوز روزانہ سنتے ہو کل گھرے گھرے میسج کا جواب روزانہ دیتے ہو اپنے گرل فرینڈ کے پاس میسج روزانہ کرتے ہو بوائے فرینڈ کے پاس میسج روزانہ کرتے ہو لیکن کبھی کبھی اپنے رب کا پیغام بھی پڑھ لیا کرو کبھی کبھی اپنے رب کا جواب بھی دے دیا کرو کہو اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں لیکن مسلمان ہو کر کے بھی اللہ کے اوپر توکل نہیں اور کچھ مسکٹ ملاؤں کی بات ہاں بنا سوچے سمجھے بات مان لیا کسی نے بتا دیا ہے یہ بابا دینے والا ہے اب ماں کے بابا کی ہمیں دے دیجیے اب اس کو کیسے پتا چلے یہ بابا دینے والا اور جتنے بابا سعودی گیا سعودی ابھی ایک مہینہ پہلے میں گیا تھا ایک بھی میں نے مزار نہیں دیکھا ایک بھی کئی لوگوں کو برا لگ رہا ہوگا لیکن حق بات کڑوی لگتی ہے الحق امام کائنات فرماتے الحق مرون حق بات کڑوی ہے اور حق بات بولنا یہ سب سے بڑا جہاد ہے سب سے بڑی بات ہے حق بات بولنا اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اوپر فخر کرتا ہے کہ تم حق بات بول رہے ہو آج کے دور میں پنچایت بیٹھتی ہے یہ میرا رشتے دار ہے یہ فنا ہے منہ دیکھ کر کے بات کرتا ہے حق بات بولو حق بات میرا رشتے دار ہوا تو کیا ہوا غلط ہے تو اس کو سزا ملے گی امام کائنات کے سامنے کیس اور ایک شکایت لے کر کے آئے یعنی بہت بڑی خاندان کی عورت نے چوری کر لیا بہت بڑی خاندان کی اور سفارش لے کر کے حضرت اسامہ آتے اور کہتے ہیں اللہ کے نبی اس کو معاف کر دیجئے پیسہ اسے لے کر کے چھوڑ دیجئے آپ نے صحابہ کو بلایا اور بلانے کے بعد آپ نے فرمایا میرے صحابیوں تم کہتے ہیں کہ اس کو معاف کر دیا جائے انصاف کا جنازہ تو ختم کرنا چاہتے ہو اللہ کی قسم میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جاتا یہ ہے انصاف میری بیٹی ہوتی تب بھی میں انصاف کرتا یہ فلا کی بیٹی فاطمہ ہے اگر میری بیٹی فاطمہ ہوتی تو اس کو بھی میں اس کے ہاتھ کو بھی میں کاٹ دیتا انصاف ہر جگہ ہونا چاہیے بھائیوں کے ساتھ انصاف کرو بیٹوں کے ساتھ انصاف کرو ہاں بیٹیوں کے ساتھ انصاف کرو چچا رشتہ دار خاندان کے ساتھ یہ نہیں یہ غریب ہے امیر آدمی اس کے نام پہ تھوڑا کر دیں گے تم کو چائے وغیرہ مل جائے گی کھلا پلا دیا جائے گا ظلم میں انصافی کبھی بھی مت کروں مرنے کا خوف رہنا چاہیے کہ اللہ کے سامنے مجھے حاضر ہونا ہے اور مجھے جواب دینا ہے ہاں مجھے جواب دینا ہے میں انصافی نہیں کئی لوگ ہوں گے جو اللہ کے نام پہ دے دو ہاں مزار کے نام پہ دے دو فلا بابا کے نام پہ دے دو لے رہا ہے اور بہت غلط غلط کام کرتا چلا جا رہا ہے آپ نے وہ میرا منظر نہیں سنا میرا وہ واقعہ نہیں سنا میں نے کہیں پہ بتایا تھا کچھ مولانا لوگ ہوتے ہیں کہ پیٹ کے راستے زندہ رہتے ہیں اس کو کچھ آتا جاتا ہے نہیں عربی کا ایک میننگ نہیں بتا سکتا
और अपने आप को समझता है बहुत बड़ा मौलाना, टोपी कुर्ता पायजामा पहन लिया उसको मौलवी मत समझिए आप, सिर्फ टोपी कुर्ता पायजामा वाला मौलवी नहीं होता है, कुछ लोग ठकने वाला होता है, याद रखिएगा इस बात को आप, जो मैं बताने जा रहा हूँ। एक वर्ड का भी जवाब नहीं दे सकता है, अरबी का अलिप से वाकिफ नहीं है वो, और मौलाना बन गया। एक ऐसी मौलवी को लगा रहे यार मौलाना लोग बनने में बड़ा फायदा है, जहां जाओ मुर्ग मुसल्लम मिलता है खाने को, नहीं इतना अच्छा, ये तो अपनी अपनी किस्मत है। अल्लाह ताला मौलाना जो आलिम उलमा है, हाँ पांच छह सात हजार उसकी तनख्वाह है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खुश खुर्रम रहता है, हाँ ये तो अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा देन है, बहुत बड़ा फजल व करम है। लेकिन कुछ लोग सोचता है यार मौलाना इतना कैसे यार इतना खुश रहता हम भी। अब एक मौलवी बन करके गया, मौलाना था नहीं, कुर्ता पाजामा टोपी सिला लिया बना लिया, चल गया एक आदमी के पास, पीर के पास गया, बाबा क्या मुझे अपने पास रख लीजिए, अपने चरणों में रख लीजिए, ठीक है ले जाओ। रहने लगा एक महीना दो महीना तीन महीना रहा, वो सब कुछ देख रहा है यार बाबा के सामने इतना पैसा आता है रोजाना। एक दिन उसको अपने बीवी की याद आने लगी, बीवी की। अब एक दिन अपने पीर से मिलता है, बाबा मैं अपने बीवी से मिलना चाहता हूँ। हाँ जाओ जाओ कैसे, पैसा तो यहाँ मिलता वहां नहीं मिलेगा, कैसे जाओ? सच्चाई बता रहा हूँ, पैगाम दे रहा हूँ, मिलेगा वहां भी मिलेगा, यहाँ जिस तरीके से बेवकूफ है वहां भी बेवकूफ है, हाँ मिलेगा। बाबा हमें भी कोई उपाय बता दीजिए, हम वहीं रहेंगे, बीवी से मिलेंगे, बच्चों के साथ रहेंगे, पैसा भी कमाएंगे, हमें भी कुछ उपाय बताओ। बाबा के सामने एक गधा पड़ा था, हाँ इतना कमजोर गधा, हड्डियां दिख रही थी, बिल्कुल लागर और बिल्कुल कमजोर गधा। बाबा और ये पीर कहता ले लो इस गधे को, ले लो इसी से कमाओगे। ये गधा हमको भी अपने पीठ के ऊपर चढ़ा नहीं सकता, ये हमें खेत ये हमें देगा पैसा, ये तो मर जाएगा बीच में, इसको कहां लेके जाओ? ज्यादा बात करो, जितना कहता हूं उतना सुनो, बताया जो जो तरीका ये करना, जाओ कमाओगे। गया खुशी खुशी घर पहुंचा, अपने बीवी से मुलाकात की, अपने बच्चों से मिला, बीवी से बच्चों से मिला, और मिलने के बाद जैसे सुबह हुई, नमाज का तो कोई मतलब है नहीं लोगों का, नमाज नहीं, सुबह हुई गधा लिया, और जिस तरीके से पीर ने बताया था, बाबा ने बताया था, वैसे ही करने लगा। बाजार गया और बाजार में ऐलान करने लगा, आवाज लगाने लगा, निदा लगाने लगा, आवाज लगाने लगा, लोगों मेरे पास इतना बड़ा एक बार एक गधा आया, इतना करामती गधा है, इतना करामती गधा है, इस गधे के ऊपर बैठो और जो भी बैठेगा उसको मक्का मदीना दिखाई देगा। और से सुनिएगा इस बात को, मैं बहुत पॉइंट की बात आपके दिमाग में बैठाने जा रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जादुई छड़ी सब लगाऊंगा तो सब नमाजी बन जाओ, सब जिसको अल्लाह हिदायत देता उसी को हिदायत मिल सकती है, वरना नबी के बेटे को हिदायत नहीं मिली, हाँ मालूम है कि नहीं? हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे को हिदायत मिली नहीं मिली? हजरत लूत की बीवी को हिदायत मिली नहीं मिली? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को हिदायत मिली नहीं मिली? तो हिदायत जिसको अल्लाह ताला देगी वो देगा, उसी को हिदायत मिलेगी। ऐलान करने लगा इतना करामती गधा, आज कल देखिए यही सब सुनने के लिए, अगर ऐसा कोई ऑर्केस्ट्रा वगैरह होता इतना खर्च करने वाले आप लोग भीड़ संभाल नहीं पाते, अगर ऑर्केस्ट्रा होता या लड़कियों के वो ठुमके वाला मामला होता, लड़कियों की आवाजें होती कि मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद, रात भर बूढ़ा भी बुजुर्ग भी ऐसे देखता, अब बूढ़ा बताइए, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने देखा है वीडियो में किसी ने दिखाया, मुझे साहब ये देखे ना बूढ़ा आदमी कितना बूढ़ा हो चुका, लेकिन देखिए कैसे ऑर्केस्ट्रा देख रहा है, अजीब हालत इस कौम की हो गई है, कहाँ से शुरू करो कहाँ करो बात समझ में नहीं आती है। मेरे भाइयों वो ऐलान करता है, अब यही सब देखने के लिए लोग हाजिर होते हैं, अभी कोई ऐसी बात हो जाए तो दौड़े दौड़े निकल जाएगा। जब लोगों ने सुना इतना करामती गधा है कि यहाँ बैठो और मक्का मदीना देखो, किसी ने सोचा रे इतना करामती गधा है, भीड़ लग गई खूब ज्यादा,
अब हमें क्या जरूरत है मक्का मदीना जाने की, क्या जरूरत है पैसा खर्च करने की, यहीं बैठे बैठे हमें मक्का मदीना देख लेंगे। और हम दुआ भी करते दिखाते या इलाही वो मदीना कैसे बसती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। अल्लाह की कसम मक्का जाकर के देखो, मदीना जाकर के देखो, एक वक्त मक्का में नमाज पढ़ो, खाना काबा में नमाज पढ़ो, अल्लाह की कसम हिंदुस्तान में लाख मरतबा नमाज पढ़ो बराबर है मेरे साथियों। वैसी जगह हमें और आपको कहाँ मिलेगी, वही मक्का के अंदर, वही मदीना के अंदर। मदीना जाओ, मस्जिद नबी में नमाज पढ़ो, हजार रकात हिंदुस्तान में पढ़ो और मदीना के अंदर एक बार पढ़ो बराबर है मेरे भाइयों। ये फजीलत अल्लाह ताला ने मक्का और मदीना के अंदर रखी है, इतनी ज्यादा फजीलत मेरे साथियों। इसी वजह से हर कोई कहता दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला की रहमत बरसती है। दुआ करता कि अल्लाह मक्का दिखा दे अल्लाह मदीना दिखा दे। अल्लाह की कसम मस्जिद नबवी देखो, देख करके आपका दिल भर रहेगा। इमाम कायनात की कब्र वहीं पे मौजूद है, उस कब्र को देखोगे तुम्हें बात समझ में आएगी। जब इमाम कायनात अपने कब्र के अंदर मदफून दफन किए गए हैं तो हम जैसे लोगों को क्यों नहीं दफन होना पड़ेगा, हमें भी कब्र के अंदर जाना पड़ेगा, हमें भी लोग कब्र के अंदर दफन कर देंगे। क्या हमने उस कब्र के लिए तैयारी कर रखी है, क्या हमने उस कब्र के लिए तैयारी कर रखी है? अगर तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा जनाजे के नमाज के अंदर तशरीफ ले जाते हैं और जनाजा रखा हुआ रहता है, नबी अकरम बैठ जाते हैं, सहाबा कराम भी उनके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। नबी अकरम के हाथ में लकड़ी का एक तिनका है, अब जमीन को खुरेद रहे हैं, जमीन को खुरेद रहे हैं। देख अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू गिरने लगे, आह मेरे नबी की आंखों से आंसू जमीन के अंदर गिरने लगे। आप रोने लगते, आपकी आंखों में आंसू गिर रहे हैं, आपके आंखों से आंसू निकल रहे हैं। सहाबा ने देखा नबी को रोता हुआ, सहाबा भी रोने लगे, पूछा नहीं क्यों रोते हो, नबी को देखा रोते हुए सहाबा भी रोने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ओ मेरे सहाबियों तुम्हें मालूम है मैं क्यों रो रहा हूँ? सहाबा ने कहा कि अल्लाह के नबी हम क्या जाने, आप रो रहे थे हम भी रोने लगे। आपने फरमाया मैं रो इस वजह से रहा हूँ, कब्र कब्र के बारे में सोच रहा हूँ। आई तू इस लिहाजा, ओ मेरे सहाबियों तुम इस कब्र की तैयारी करो, हमें और आपको भी इस कब्र के अंदर आना है, इस कब्र के अंदर हमें और आपको भी आना है। जहाँ तकिया न बिस्तर न कूलर न पंखा, कुछ नहीं न बीवी न बेटा न बच्चा न बच्ची न ससुराल वाले न घर वाले न मायके वाले न ननिहाल वाले कोई नहीं, इस कब्र के अंदर हमें और आपको अकेला रहना पड़ेगा। ओ मेरे सहाबियों कब्र की तैयारी कर लो। अल्लाह के नबी ये कह कर के रोना शुरू कर देते हैं और दुआ भी किया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी औजु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, अल्लाह अज़ाब क़ब्र से हमें महफूज अता फरमा। क्या हम और आप दुआ करते हैं, क्या हम और आप उस कब्र की तैयारी करते हैं? जाओ मदीना, जाओ मदीना देखो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मौजूद है, आपको अपनी हैसियत पता चल जाएगी, आपको अपना मकाम व मर्तबा पता चल जाएगा, मेरी हैसियत क्या है, मेरा मकाम व मर्तबा क्या है। मेरे साथियों जब नबी दुनिया से जा सकते हैं, नबी के बगल में हजरत अबू बकर की कब्र है, उसके बगल में हजरत उमर फारूक की कब्र है, जब वहां आदमी जाता है मेरे भाइयों आंखों के अंदर आंसू आते हैं, इतना ज्यादा चारों किनार रोता है। अमीर हो तो अपनी जगह, चौथी हो तो अपनी जगह, डॉक्टर हो अपनी जगह, इंजीनियर हो अपनी जगह, प्रोफेसर हो अपनी जगह, रोता है को रोक नहीं पाता है। मेरे साथियों तसव्वुर करो, अंदाजा लगाओ, गौर करो, नबी की कब्र मदीना के अंदर रात में मौजूद है, तो हमें भी और आपको भी मरना है, उस कब्र की तैयारी क्यों नहीं करते हो? आपने फरमाया आइतु मिस्ली हाजा, ओ लोगो इस कब्र की तैयारी करो, इस कब्र की तैयारी करो। अब ये क्या बाबा दिखा रहा है कि मुरीद बन गया दो ही चार महीने में, कारा गधे के ऊपर बैठो मक्का मदीना दिखाई देगा। अब हर कोई सोच रहा हम बैठे, हर कोई हम सोच रहा हम बैठे, हम बैठे, हम बैठे, भीड़ लग गई। बादशाह के भी गुजर हो रहा था, रुका अपने वजीर के साथ, बुलाए क्या भीड़ है चलो देखते हैं। जब बादशाह आया वजीर सब हट गया, ए क्या यहाँ पे तमाशा लगाए रखा है, क्या कर रहे हो? कहा कि बादशाह सलामत, जैसा गधा है इसके ऊपर बैठिएगा मक्का मदीना दिखाई देगा। कहा बेवकूफ बनाते हो, हमारी बादशाहियत तुम इस तरह काम करते, तुम्हें पता है किसके सामने बात कर रहे हो, गर्दन उड़ा देंगे।
वो भी कहते अल्लाह की कसम अगर झूठ बोल रहा हूँ तो मेरी गर्दन उड़ा दूंगा, ऐसा बोलता हूँ। अब बादशाह वजीर से कहता चढ़ो तो जी चेक करो इसका जितना दाम होगा हम देंगे, रोज होगा मदीना के यहीं से जियारत करेंगे, क्या जा रहे की जरूरत है, हिंदुस्तान ही से सब देखेंगे। अब वजीर जैसे चढ़ने लगता देखे, कभी कभी कुछ मौलाना लोग ना बहुत तेज तर्रार होते हैं बहुत ज्यादा, और कुछ हराम खोरी करते हैं। अरे हलाल कमाओ, हलाल रिस्क हलाल, इमाम कायनात फरमाते हैं हलाल रोजी कमाओ। अल्लाह के नबी के घर के अंदर एक दिन दो दो पांच दिन एक एक महीना तक चूल्हा नहीं जलता था, लेकिन अब हराम रिस्क कभी कोशिश नहीं करते थे, रिस्क हलाल तलाश करते थे, रिस्क हलाल कमाया करते थे। जैसे बात वजीर चढ़ने लगा, ये कहता है कहता क्या हुआ, कहा कि उसी आदमी को इस गधे के ऊपर बैठ करके जन्नत दिखाई, मतलब मक्का और मदीना दिखाई देगा जिसने कभी गुनाह न किया हो। अब बताइए हम और आप में कोई ऐसा आदमी जिसने गुनाह नहीं किया, हम भी गुनेगार है भाई, मक्का मदीना से जरूर आए लेकिन गुनेगार हम नहीं, ऐसा नहीं है, गुनाह तो हो ही जाता है। अब कभी बोलते भाई यहाँ पे हो ट्रेन निकल गई तो वहां थोड़ी जाता आगे निकल जाती है, कभी कभी गुनाह हो जाता है। अल्लाह ताला बंदों को माफ करे, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु बनी आदम खता, हर इंसान गुनेगार और खताकार है, लेकिन सबसे अच्छा और बेस्ट सबसे अच्छा वो है जो गुनाह करने के बाद तौबा करे, सबसे अच्छा गुनाह किया तौबा करो अल्लाह की कसम सबसे प्यारे बनी। तो उसने कहा कि गुनेगार को मक्का मदीना नहीं दिखाई देगा। अब वजीर सोचने पे मजबूर हो गया कि चढ़ूं कि ना चढ़ूं, अगर चढ़ूंगा तो दिखाई नहीं देगा तो सब कहेगा पापी आदमी, और अगर नहीं चढ़ूंगा तो कहेगा पापी, और अगर चढ़ गया और नहीं दिखाई दिया बोलेगा पापी है, नहीं चढ़ा तो सोच जाएगा ये पापी है इसी वजह से नहीं चढ़ रहा, हाँ किया तब भी फंसा ना किया तब भी फंसा, क्या करे। उसने सोचा बड़ी इज्जत का सवाल है, अगर नहीं चढ़ूंगा तो लोग मुझे मार देंगे और बोलेंगे इसको वजीर बना दे पापी आदमी को, इज्जत की बात थी, आओ देखा ना ताओ देखा वो उस गधे पर चढ़ गया, चढ़ा इधर उधर देखने लगा, उसको थोड़ी दिखाई देगा जल्दी मक्का और मदीना, बताइए कोई गधा ऐसा है दुनिया के अंदर, नबी के दौर में ऐसा गधा आया नहीं और दुनिया के अंदर नबी के जाने के बाद ऐसा गधा आ गया, बताइए। उसने इधर उधर देखा, उसको मक्का मदीना तो दिखाई नहीं दिया, सोचने लगा कहूं कि दिखाई नहीं दे रहा तो लोग कहेंगे बहुत पापी है, इसको मार मार करके खत्म कर दो, इज्जत का सवाल है, अपनी इज्जत को इमेज को इज्जत को बचाने के लिए वो कहने लगा सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मक्का मदीना दौड़ दो। अब बादशाह कहता है हट, मैं पैसा दूंगा तू देखेगा, उसको हटाया, अब ये चढ़ने लगा वजीर समझने लगा जाओ ना तुम्हारी जाएगी, बादशाह भी चढ़ा उसको भी दिखाई नहीं दे रहा, सोचा अगर मैं बता तो नहीं दिखाई दे रहा है तो सब लोग कहेंगे देखो वजीर इससे अच्छा है, अपनी इज्जत बचाने के लिए बादशाह बचाने के लिए कहने लगा मेरा वजीर तो जरा गुनेगार है, मैं दीनदार हूँ अल्लाह की कसम मक्का मदीना के अलावा मुझे जन्नत भी दिखाई दे रही। लोगों ने सुना, सब लोग बैठ गए उसके ऊपर, वो गधा मर गया, और गधा मरा कहा कि इतना करामती गधा कहीं जाने नहीं देंगे, यही कब्र बनाओ मजार बनाओ इसी से मांगेंगे, मजार बनाएगा उसी से मांगना शुरू कर दिया। मेरे भाई यो ये है अजीब हालत है, अल्लाह के ऊपर तवक्कुल भरोसा, अपने बच्चों को खिला रहे हो ये भी एक इबादत है, सच बोल रहे ये भी एक इबादत है, जलसे में आए हो सुनने के लिए ये भी इबादत है, ये भी नियत के अंदर करो कोशिश कल से अमल करेंगे इंशाल्लाह फजर से नमाज पढ़ेंगे ये भी एक इबादत है। मेरे साथियों तसव्वुर करो और गौर करो, इमाम कायनात जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुराइयों को खत्म कर दिया, आपने चंद सालों के अंदर जिंदगी के अंदर मक्का के अंदर से बुराइयों को खत्म कर दिया, इतने मुसलमान होकर अगर अपने गाँव से
अगर आप बुराई को खत्म ना कर सके हैं तो मेरे भाइयों अपने जिंदगी के अंदर अफसोस कीजिए कि मेरा बगल वाला मेरा भाई नमाज नहीं पढ़ता है, अल्लाह मैं उसको कैसे नमाजी बनाऊं, मेरी बीवी नमाज नहीं पढ़ती उसको मैं कैसे नमाजी बनाऊं, मेरा बाप नमाज नहीं पढ़ता मैं उसको कैसे नमाजी बनाऊं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी से भी कहा करते थे, मेरी बेटी सलोनी वाली जो भी मांगना है मांग लो, कयामत के दिन अगर अमल नहीं किए तो मैं भी काम आने वाला नहीं, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, और मेरी बेटी अमल कर लो अमल कर लो अमल कर लो, नेकियां कर लो नेकियां कर लो। आज हम और आप नेकियां ही नहीं करते, नेकी के मामले में एक दूसरे को आप ताबुन कीजिए, चलो नमाज के लिए मस्जिदें तो बना ली सर में माँ की हरारत में, मेरे साथियों एक दिन में दो दिन में एक महीने में तो हमने मस्जिद बना ली, मस्जिद तो आजाद को जरूर देता है लेकिन मस्जिदें हमारी वीरान है, क्या समझाऊं बात समझ में नहीं आती है, जलसा तो कर रहे हो मेरे मुसलमान भाइयों, दिल के अंदर बैठा लो, नबियों को भेजा बुराइयों से बचने के लिए, नबी आए नबी चले गए, नबी जो बोल करके गए किताब मौजूद कुरान मौजूद है, लेकिन हमें ना कुरान के ऊपर ईमान ना हमें नबी की हदीस के ऊपर ईमान है, हम दिल की बात मानते। अगर बीवी गए सुबह के अंदर क्रीम ले आओ पाउडर ले आओ चूड़ी लेकर के आओ मेरा सूट लेकर के आओ, सुबह सवेरे सबसे पहले दुकान जाओगे बीवी के लिए पाउडर क्रीम और दुकान से सारी चीजें लेकर के चले जाते हो, लेकिन मेरे साथियों अल्लाह कहता है मेरे बंदो पांच वक्त मेरे पास तो कम से कम आओ, पांच वक्त मेरे लिए टाइम दो, मैंने जिंदगी तुम्हें दी है, वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, पांच टाइम हम और आप नहीं दे पाते हैं, कितने बड़े कितने मेरे भाई जो कैसे हम इंसान है कैसे मुसलमान है समझ में बात नहीं आती है, इतने जलसे सुनने के बावजूद अगर हम नमाजी ना बन सके, बीवी को नमाजी ना बना सके, अपने बच्चों को पर्दा ना करवा सके, रिश्ता हलाल ना कमाए, तो मेरे भाइयों इससे बढ़कर क्या और क्या हो सकता है, हमारे लिए बदनसीबी और क्या हो सकती है। सबसे बड़ा बदनसीब इंसान को है जो दुनिया 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 कमाने के चक्कर में लगा हुआ हो और अपने आखिरत को भूल बैठा हो। फरमाया वमन हया तो दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया तो धोखा देने वाली है, फमन जुहसिया अनिल्लार मुदखिलल जन्नत फकद फाज, फरमाया अपने आप को जन्नत में दाखिल कर लिया, दुनिया में नेक अमल किया और जन्नत के अंदर चला गया, आज़ाब कब्र से बच गया, इमाम कायनात और कुरान तू चीख करके कहता उससे खुश नसीब कोई नहीं, बिल्डिंग बनाया वो बड़ा खुश नसीब नहीं है, किसी के पास चार फोर व्हीलर है वो बड़ा खुश नसीब नहीं है, रोजाना जो जहाज में उड़ता है बहुत बड़ा खुश नसीब नहीं है, बहुत बड़ा कामयाब नहीं है, जिसके शोहरत पूरी दुनिया में हो हर आदमी जैसे किसी के शोहरत हो लोग उसको जानता हो बहुत बड़ा कामयाब नहीं है, अल्लाह की नजर में सबसे बड़ा कामयाब वो है जो मरने के बाद अजाब कब्र से बच जाए, मरने के बाद जहन्नम से बच जाए, मरने के बाद जन्नत में चला जाए, मरने के बाद कल कयामत के दिन उसके दाहिने हाथ में नामयामाल अल्लाह ताला दे दे। मेरे साथियों सबसे बड़ा खुशनसीब सबसे बड़ा कामयाब आदमी वही है, इमाम कायनात ने एक मौके पे फरमाया था अल कय्यूस मसदान नफ्सहु वहां मेरा दिमाग बादल मौत, फरमाया सबसे बड़ा अकलमंद आदमी वो है जो मरने की बात की तैयारी करता हो, वलवाजिस मनता नफ्सहु हवा व तमन्ना अल्लाह, और उससे बड़ा बेवकूफ आदमी दूसरा है ही नहीं जो मरने के बाद की जिंदगी की तैयारी न करता हो, सिर्फ पैसा पैसा मकान मकान दुकान दुकान बीवी बीवी बच्चा बच्चा मकान मकान बीवी बच्चा ससुराल इसी में लगा हुआ हो और अपने आखिरत बर्बाद कर रहा हो। फरमाया इससे बढ़कर के बेवकूफ दुनिया में कोई नहीं हो सकता है, ये हदीस है हदीस रसूल है, रसूल को तो मानते हो लेकिन रसूल क्यों तो नहीं मानते हो, कहते हो रग रग में है नबी नबी, कहते हो रग रग में है नबी नबी, लेकिन बात मानते हो हफ्ते में महीने में कभी कभी, अरे मुसलमान कौन से तुम मुसलमान हो, बात समझ में नहीं आती है। मैंने कुरान की जो आयत पढ़ी थी वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, इसी के लिए पैदा किया इबादत के लिए, हम कोशिश करें जलसे के जरिए से अल्लाह ताला हमारे दिलों को बदल दे और हम नमाजी बन जाए, आखिरत को कामयाब बनाने वाले बन जाए, जहन्नम से बचने वाले बन जाए। अल्लाह ताला जो लोग मर चुके अल्लाह उन्हें करबर करबर जन्नत नसीब अता फरमाए। इलाहा लामीन।
جو لوگ حضرات موجود ہیں اللہ سب کو نمازی بنا دے، ہماری بہنوں کو پردہ کرنے والا بنا دے، پردہ کرنے والیاں بنا دے۔ الہ العالمین، یہ عورتیں ہیں، انہیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی زیادہ، لیکن میں ایک بات کہہ کر میں جاتا ہوں، اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ امام کائنات نے فرمایا کہ میں نے جہنم کو جب دیکھا تو سب سے زیادہ عورت کو جلتے ہوئے پایا ہے۔ آپ کی بے بہن ہے، آپ کی ماں ہے، بیوی ہے، کیا آپ دنیا کے اندر اپنی بیوی کو آگ میں جانا پسند کریں گے؟ جب دنیا کی آگ میں جانا پسند نہیں کرتے ہیں تو آخرت کی آگ میں، جہنم کی آگ میں کیسے اپنی بیوی کو، بچی کو، بیٹی کو، بہن کو کیسے پسند کریں گے؟ یہ چلی جائے، اپنے بیویوں کو نمازی بنوائیے، اپنے بچیوں کو نمازی بنوائیے، اپنی ماں کو نمازی بنوائیے، پردہ والی بنوائیے، خود نماز بنیے، نمازی بنیے، اور شریعت کا پابند بنیے، اسلام کے اوپر چلنے والا بنیے۔ صرف اسلام زندہ باد، زندہ باد کہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، بلکہ اسلام کو زندہ باد رکھیے۔ ہمیں اور آپ کو اسلام کو زندہ رکھنا ہے۔ زبان سے کہہ دینے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی اور جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنے فطرت میں نوری ہے، ناراری ہے۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں انہی باتوں کے، میں سب کا شکر گزار ہوں، سب کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کے امام صاحب کا، جناب مختار صاحب کا، آپ حضرات کا، کہ آپ کے بیچ میں شاید پہلی بار آیا ہوں۔ اور ایک بات اعلان کر کے میں جاتا ہوں، بمبئی میں آئی پلس ٹی وی جس کو 4 کروڑ سے لوگ زیادہ دیکھتے ہیں، 4 کروڑ سے زیادہ لوگ، آپ میرا نمبر رابطہ کر لیں گے، ہمارے آپ کے مولانا صاحب کے پاس بھی میرا نمبر ہے، اور وہ دنیا کے اندر کتاب و سنت کی روشنی میں پیغام پہنچانے کا کام کیا جا رہا ہے۔ آپ بھی اپنے یہاں جائیے، آئی پلس ٹی وی آپ کے یہاں باقاعدہ چلتا ہوگا، اور نہیں چلتا ہے تو جو ٹی وی والے ہیں ان سے بولیے وہ چلا کر کے دیں گے، بالکل فری، فری چینل ہے، کوئی پیسہ نہیں لگتا ہے۔ کتاب و سنت کی باتیں آپ ضرور دیکھیں، اس کے اندر میرا پروگرام بھی آتا ہے آئی پلس ٹی وی کے اندر۔ ایک اور گزارش ہے، آئی پلس سے جڑیے اور کوشش کیجیے، جو آدمی آئی پلس جیسے جڑے گا، پروگرام جب تک چلتا رہے گا تب تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا، کیا پتا کون سی بات کس نے عمل کر لیا۔ اور سب کا اشارہ یہ ہے، اگر ایک سال میں 5,000 آپ اس آئی پلس ٹی وی کے لیے اگر آپ دیتے ہیں، اور زندگی مرنے کے بعد قبر کے اندر بھی آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو میرے بھائیوں، جیسے یہ مسجد، یہ پروگرام ہوا، اس میں آپ نے اگر پیسہ دیا ہے تو یہ بیکار جانے والا نہیں ہے۔ یہ میرا پروگرام جو آئی یوٹیوب کے اندر بھی اگر آ گیا، جب تک چلتا رہے گا، اور جو لوگ سنتے رہے گا، کسی نے ایک عمل کر لیا تو میرے بھائیوں، مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طریقے سے آئی پلس ٹی وی بھی ہے، وہ بھی میڈیا کے ذریعے سے اسلام کو پھیلانے کی کوشش کیا جا رہا ہے۔ ہم جیسے عالم، ہم جیسے مقرر اس آئی پلس ٹی وی کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں دین کے کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ اس آئی پلس ٹی وی سے جڑنا چاہتے ہیں، ان سے میری گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ وہ مجھ سے رابطہ کریں، وہ جڑیں، اور میں چاہتا ہوں مساجد سے بھی جڑیں، مدارس سے بھی جڑیں، اور جو بھی نیکی کا کام ہو، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو اتنی صلاحیت و طاقت دی ہے تو آپ ضرور ان چیزوں سے جڑنے کی کوشش کریں۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ میرے بھائیوں، فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں نیک کام میں خرچ کرو، جو پیسے کو نیک کام میں خرچ کرو، لیکن ولا تعاونوا علی الاثم تعاونوا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان تعاونوا علی البر والتقوى۔ نیک کام میں حصہ لیجئے اور برائی کے کام میں مدد کیجئے۔ اللہ تعالیٰ جو باتیں بتائی گئی ہے، ان باتوں کے اوپر کہنے والے کو بھی، سننے والے کو بھی، سب کو پوری پوری عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔